हाय हेलो नमस्ते नमस्कार शुभकाल आदाब वडकम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट मॉइस्चराइजर इस विंटर के लिए, फ्लॉलेस स्किन केयर के लिए और परफेक्ट मेकअप के लिए। उसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 मॉइस्चराइजर हैक्स। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिस मॉइस्चराइजर की मैं बात कर रही हूँ वो ये है सेंट बोटैनिक का विटामिन सी ई एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, एज डिफाइनिंग एंड स्किन क्लियरिंग मॉइस्चराइजर। तो मैं आपके इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ कुछ कि ये क्या, इसमें क्या अच्छा है, क्या बेनिफिट्स है जिसकी वजह से आपका जो स्किन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ये मॉइस्चराइज करेगा और इसके अलग अलग और क्या बेनिफिट्स हैं। तो विटामिन सी, लाइक आप किसी भी मॉइस्चराइजर में आपको विटामिन सी और विटामिन ई नहीं मिलते हैं। विटामिन सी आखिर करता क्या है? विटामिन सी फेड करता है आपके ब्लैक स्पॉट्स को, ब्लमिश को हटाता है और आपके स्किन को एक शेड लाइटर करता है। जो कि इसके अंदर जो डाला गया है वो है नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल, ग्रेप सीड्स, एवोकाडो, जोजोबा एंड टमाटो ऑयल आर ब्लेंड टू द प्रोवाइड मैक्सिमम हाइड्रेशन दैट स्ट्रेंथ द मॉइस्चराइजर। सो इसकी वजह से आपका जो स्किन है वो काफ़ी, यू नो, जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी आपके ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स को हटाएगा। तो विटामिन ई क्या करता है? इसमें विटामिन ई ब्लॉस्टर द एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस वीट प्रोटीन जो कि नरिश करता है आपके स्किन को। ग्रीन टी, ककुम्बर, लेमन, एलोवेरा लीव्स द स्किन नरिश, हेल्दी एंड रेडियंट। सो इससे आपका जो स्किन है वो स्मूथ होता है, ब्राइट रहता है, क्लीन रहता है, रिड्यूस करता है आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी। सो ये सिर्फ मॉइस्चराइजर के साथ और भी बहुत सारे मल्टीटास्किंग इसके काम रहते हैं। और एक जो सबसे बेनिफिशियल इसमें एक एलिमेंट है जो कि मैं आपको एकदम लास्ट में वीडियो के बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। और इस मॉइस्चराइजर में सिलिकॉन नहीं है, सेफ टू यूज़ इंग्रेडिएंट, नो एनिमल टेस्टिंग, नो मिनरल ऑयल, नो पैराबेन, प्योर एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। इसके पैकेज पे ये क्लियरली सारी चीजें मेंशन है। इसकी वजह से डेफिनेटली आपके स्किन पे कोई ज्यादा केमिकल वाली चीज नहीं लगने वाली है। तो चलिए फटाफट से मैं आप इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो इसकी जो बाहर की इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग आती है और इसके अंदर ओपन करेंगे तो ये गोल्डन कलर का, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी लगी। सो सेंट बोटैनिक का लाइक ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो बॉटल है बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है जो कि मुझे बहुत पसंद है, इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। क्यूट सा इसका बॉटल है और ये आता है पंप टाइप में और इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा यू नो वाटरी रनिंग जैसी नहीं है। एंड गाइस मैं इसके स्मेल की बात करूँ, इट जस्ट अमेजिंग, बहुत ही अच्छा इसका स्मेल। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ अपने फेस पे कि इसका इफेक्ट कैसा है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 मॉइस्चराइजर है। यहाँ पे मैं हाफ फेस पे दूसरा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ और हाफ फेस पे अप्लाई करूंगी सेंट बोटैनिक का विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर, जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइजर ज़्यादा ग्रीसी नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेंट बोटैनिक का ले लिया है मॉइस्चराइजर और इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस के दूसरे साइड में। और दूसरी बात मुझे इसकी जो अच्छी लगी वो है इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा थिक होता है मॉइस्चराइज़र वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी। एज यू कैन सी कि जिस साइड में मैंने लगाया है सेंट बोटैनिक का विटामिन सी वाला मॉइस्चराइज़र वहाँ पे आप एकदम नॉर्मल देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शाइनी चिपचिपा दिख रहा है। और यहाँ पे चिपचिपा नहीं है, बहुत ही अच्छा सा, मतलब आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है बट स्टिल वो जो वर्क करता है आपके फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ और मॉइस्चराइज कर देता है, बट आपके फेस पे दिखेगा नहीं कि मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई किया। एज यू कैन सी लेफ्ट साइड में क्लियरली ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया एंड राइट साइड में ऐसा लग नहीं रहा है, नेचुरल स्किन आपको दिख रहा है। फर्स्ट मॉइस्चराइजर हैक में आपको क्या करना है, आप ले लें हाइलाइटर, हाइलाइटर पाउडर ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर नहीं तो मैं अपने हाइलाइटर को ही क्रश कर ले रही हूँ।
तो इसका जो पाउडर है इससे मैंने निकाल लिया है और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हैंड पे एज यू कैन सी। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र। अब ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो हाइलाइटर, ये बॉडी हाइलाइटर बन गया है। तो आप इस तरीके से भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी शाइनी नज़र आ रहा है मेरा हैंड, और यहीं पे लाइक मेरे स्किन से थोड़ा मैच हो गया था गोल्डन वाला कलर, सो मैंने यहाँ पे अगेन वाइट वाला जो कलर था उसमें थोड़ा सा ऐड किया, जिससे कि थोड़ा सा वाइटिश वाला लुक आए मेरे हैंड पे। तो ये इससे आप बॉडी हाइलाइटर भी बना सकते हैं बहुत ही ईजिली मॉइस्चराइज़र यूज़ करके। तो बहुत लोगों का विंटर में ना ये नेल के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ना ड्राई हो जाता है स्किन, तो आपको करना क्या है, आपको ये हैंड पे एक पंप लेना है, इसे इस तरीके से ले ले हाथ में और बस अपने नेल के नीचे इस तरीके से अप्लाई कर ले। और ये एक तो आप अप्लाई करेंगे ना तो एक तो बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, एंड आपका जो स्किन है वो भी काफी सॉफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन ले लें, लाइक यहाँ पे मैंने वन पंप फाउंडेशन लिया है और वन पंप ही मैं लूँगी मॉइस्चराइज़र, जितना फाउंडेशन उतना मॉइस्चराइज़र, और दोनों को मिक्स कर दें। अब जैसे हम पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं फिर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, उससे बेटर है कि आप इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी क्रीमी हो जाएगा। जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं केकी पैची दिखता है, क्योंकि कहीं कहीं पे स्किन पे ड्राइनेस हो जाता है उस वजह से, बट अगर आप मॉइस्चराइज़र उसी में इंक्लूड कर देंगे फाउंडेशन में तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको डेफिनेटली ये हैक तो ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो आपका इयर रिंग्स है वो आपकी ईयर में नहीं जाता है, तो आपको करना क्या है कि सिर्फ आप इस तरीके से एक पंप ले लें, एक पंप से भी आप कम लें, ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने निकाला, और इसका जो बस इस तरीके से आपको इसमें डिप कर देना है और आप ईयर में डाल देंगे बहुत ही ईजिली चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजिली। ये आप करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग हैक है। सो नेक्स्ट हैक के लिए आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर ले और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर लें, और जो बैंगल आपके हेड में नहीं जा रहे थे वो बहुत ही ईजिली चले जाएंगे ये मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। हम चाहे कितने भी अच्छे तरीके से टाइटली पोनीटेल बांध ले, बन बना ले, लेकिन जो बेबी हेयर्स होते हैं ना वो हमेशा आगे यूँ खड़े रहते हैं। तो आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा पंप ले लें मॉइस्चराइज़र का और बस अपने बेबी हेयर्स पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है आपके हेयर्स जो है मतलब ऊपर पूरे बेबी हेयर्स ऊपर खड़े हैं, तो आप बस इस तरीके से अप्लाई कर लें। आप यहाँ पे खुद ही क्लियर कंपेयर कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर है वो मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले है और राइट साइड में मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, और हेयर भी काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ब्लश पाउडर यूज़ कर ले या ब्लश को क्रश करके जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ब्लश को ले लें और उस पर ऐड कर लें मॉइस्चराइज़र, और आप देखेंगे कि मॉइस्चराइज़र ऐड करने की वजह से पहले तो ये ब्रश क्रीमी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन इसका बढ़ जाता है ब्लश का, और ये लगाने पे आपके चिक पे काफ़ी नेचुरल लुक देता है। विंटर में ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा पंप ले लें यहाँ पे और बस इस तरीके से अप्लाई कर लें, एंड दैट्स इट।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, तो ये बेसिकली हैक मैं नहीं बोलूंगी बट इट्स अ बेस्ट बेनिफिट इस मॉइस्चराइजर को अगर आप यूज करते हैं तो इस मॉइस्चराइजर में SPF 30 UVA UVB PA प्लस 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 का प्रोटेक्शन मिलता है। इट मीन्स कि आपको अगर आप सनस्क्रीन नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ आप ये मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें सनस्क्रीन का जो प्रोटेक्शन रहता है वो इसमें दिया गया है और इसमें SPF 30 है। और अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई भी करते हैं और उसके बाद ये अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने SPF 20 या 30 का अप्लाई किया है सनस्क्रीन और इसमें SPF 30 है, तो इट मीन्स सम अराउंड लाइक 30 आपने अप्लाई किया, 30 और इसमें 60 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। विंटर में हमें दिखता नहीं है कि धूप लग रही है, बट बिलीव मी गाइस, सन टैनिंग सबसे ज्यादा विंटर में ही होती है, क्योंकि विंटर में हम प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं सनस्क्रीन का सन से, बिकॉज हमें जो चीज हमें दिखती है, हमें लगता है कि अरे धूप लग रहा है, इस वजह से हम समर में बहुत सनस्क्रीन यूज़ करते हैं बट विंटर में नहीं यूज़ करते। विंटर में स्पेशली हम ऐसी जगह पे जाते हैं लाइक हम मॉर्निंग में धूप लेते हैं, बीचेस पे जाते हैं, तो आप अगर ये यूज़ करते हैं और सनस्क्रीन आपको बहुत ही ज़रूरी है यूज़ करना, इवन विंटर है तो भी, इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, सो यूज़ करें सनस्क्रीन। और इसमें SPF 30 है तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है, सो दिस इज द बेनिफिट। सो इसका जो प्राइस इस पे प्रिंटेड है वो है 1299। डायरेक्ट परचेज लिंक मैं आपको दे रही हूँ, डेफिनेटली आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेकआउट करें। स्किन केयर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि हमें स्किन को हमेशा ग्लो रखना है। एक बार मेकअप थोड़ा चलो यार कम इन्वेस्टमेंट कर दो, बट आपको स्किन केयर में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, आई थिंक सो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैंटी लाइनर के बारे में। जैसे कि बहुत लोगों को वर्जाइनल डिस्चार्ज होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से उनकी जो पैंटी होती है वो पूरी वेट हो जाती है, बार बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है क्लीन करने के लिए, तो आप ये पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। इसके साथ ही बहुत लोगों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो भी इसमें भी आप ये पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अनएक्सपेक्टेड पीरियड्स कभी भी आ जाते हैं तो वो स्टेन से आप बच सकते हैं, मतलब अगर ये पैंटी लाइनर आप यूज़ करते हैं तो आपके पैंटी में कोई स्टेन नहीं रहेगा, दूसरी बात आपकी जो पैंटी रहेगी वो ड्राई रहेगी, जिससे कि आप एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। और ये बहुत ही थिन सा होता है कंपेयर टू पैड, ये बहुत ही थिन होता है एज यू कैन सी, तो यू कैन यूज दिस। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।